इनके भी स्पोर्ट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 के मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। नतीजतन टीम पर प्लेऑफ में पहुंचने को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस सीजन सीएसके टीम संघर्ष करती हुई दिखाई दी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाले चेन्नई ने अब तक खेले अपने 9 मैचों में से सिर्फ 3 मैच ही जीत पाई है। 8 टीमों के पॉइंट टेबल में चेन्नई 7वें स्थान पर काबिज है। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से भी होने वाला है। धोनी की टीम अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, वो कैसे जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर खबर आप तक बिना देरी के पहुंच सके। चलिए अब जानते हैं उस पूरे इक्वेशन को जिसके जरिए महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके टीम अभी भी इस साल के आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बना सकती है। सीएसके को अब भी इस साल आईपीएल में 5 लीग मुकाबले खेलने हैं। यदि चेन्नई बाकी बचे अपने 5 मुकाबले जीतने में सफल हो जाती है तो उसे 10 अंक मिलेंगे। ऐसे में शुरू के 6 अंक को मिला दिया जाए तो उसके कुल 16 अंक हो जाएंगे। इस अंक के साथ निश्चित तौर पर प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदारी सीएसके टीम पेश कर सकती है। लेकिन एक बात पे ध्यान देना होगा, इसके बावजूद भी टॉप 4 में जगह बनाने के लिए चेन्नई को अन्य टीमों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। लेकिन यदि चेन्नई बाकी बचे 5 मैचों में से एक भी मैच हारती है तो उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद धूमिल हो सकती है। धोनी की टीम यदि 5 में से एक मैच हार जाती है तो उसके कुल 14 अंक हो जाएंगे। इस स्थिति में नेट रन रेट अहम रोल अदा करेगा। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सभी टीमों के नेट रन रेट बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आखिर में यदि टीमों के सबके अंक एक समान हो जाते हैं तो वहां पर नेट रन रेट को देखा जाएगा और जिस टीम के बेहतर नेट रन रेट होंगे वो टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे में सीएसके बेहतर नेट रन रेट के साथ जीतने की पूरी कोशिश करेगी। आज का मुकाबला धोनी की टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये मुकाबला इस बात को बता देगा कि चेन्नई इस साल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं। आपके अनुसार क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस साल के आईपीएल में टॉप 4 में जगह बना पाएगी या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। आने वाली खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए NKP Sports YouTube चैनल।